अच्छा ये तो ऑन एयर चला गया था। अच्छा मैं शाहिन साहब, आपने ये सुना और शाह खावर साहब ने भी बड़ी मुनासिब अंदाज में ये जो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस, चाहे माजी में हुए हैं चाहे अब हुए हैं, उनका निशाना जो है वो सियासती और सियासतदान ही बनते हैं। मगर एक कल जो हमें उन्होंने बताया नईम हैदर साहब ने कि जो पटिशन डाली गई है हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसमें चीफ जस्टिस साहब पर एक दफ़ा फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब पर अदम एतमाद का इजहार किया है खान साहब ने, तो आप समझते हैं कि वो जो केस है कोई किसी और को सुनना चाहिए या ज़ाहिर है डिस्क्रेशन तो चीफ साहब की है जो सिंध इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ हैं। जी शुएब शाहीन साहब, देखिए मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब को आज खुद इस केस से अलग हो जाना चाहिए। ये अदलिया की तौकीर और इज्जत का सवाल है। चीफ जस्टिस साहब के ऊपर बेशुमार मरतबा इतराजात किए हैं इमरान खान साहब ने, और स्पेशली पिछली दफ़ा भी लिख के दिया, रिक्यूज़ल एप्लीकेशन दी जिसको उन्होंने डिसमिस कर दिया। उनके खिलाफ कई बायस के सबूत मौजूद हैं जिस पे मैंने आपको जो वाजे किया। पहला तो एक केस आप देख लो, जो टेरियान वाला केस था, दो मोजिज जज साहबान ने एक केस फैसला लिख के दिया, वो वेबसाइट पर आ गया, वो पब्लिश हो गया। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस रिलीज के ज़रिए उसको ना सिर्फ वापस करा लिया बल्कि उनको कहा जी कीप इट पेंडिंग, जो कि वो नहीं कर सकते। इट इज़ ए काइंड ऑफ मिसकंडक्ट विद रिस्पेक्ट, मैं कहूँगा ये उनको नहीं करना चाहिए था। ये एक चीज़ है। दूसरा आप देख लो इस केस में भी दो दफ़ा जब आपके सामने एक आपके ऊपर भी मिसट्रस्ट हुआ, ट्रांसफर एप्लीकेशन मौजूद थी और कोई केस सुना नहीं गया था, और सुने बगैर आपने उन सारे केसेस को रिमांड कर दिया और उसके बाद आपने कहा कि नहीं इन वही जज साहब सुनेंगे, और एक तरफ आपने लिखा कि लिस्ट ऑफ विटनेसेस जो कि हक के दिफा हमारा हक है उसको 10 तारीख को फिक्स कर दिया, और साथ कहा कि नहीं नीचे वाली अदालत फैसला कर दे। और ये एक नहीं, बेशुमार किस्म के ऐसे मामलात सामने आए हैं। फिर आपने देखा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऊपर जिस तरह के जरिए रेंजर्स ने गिरफ्तार किया या किडनैप किया खान साहब को, शीशे तोड़े गए, वकीलों को तशद्दुद का निशाना बनाया, अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर शाम तक आपने उस केस को पेंडिंग रखा। एक तरफ तो आपने कहा पर्चा करें, एफआईआर कटाएं, जो लोग सीसीटीवी फुटेजेस उठा कर ले गए थे, इंस्टॉलेशन तक उठा के ले गए थे, आपने कहा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, वो आज तक नहीं हुई। फिर आपने कहा इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस होगा, वो भी नहीं किया, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन बाद उसको सेटिसाइड कर दिया कि आपका आर्डर इलीगल है। एक तरफ आप कहते हो कि ये इलीगल काम किया, दूसरी तरफ आप कहते हो कि नहीं उन्होंने वारंट ऑफ अरेस्ट ठीक एग्जीक्यूट किया। ये एक नहीं, कई वाकयात हैं जब आपके ऊपर या किसी जज के ऊपर एक ट्रस्ट डेफिसिट हो जाए, मुनासिब ये होता है कि वो जज उस केस से खुद अपने आप को अलग कर ले, मुनासिब तो यही होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो कुछ हमारी मुख्तदर तबके और हल्के, हमारे इदारे और ये हुकूमत मिल के जो कुछ कर रही है, इस मुआशरे में अफरा तफरी है, इंतशार है, लोगों को एक तकलीफ़ है, लोगों के बुनियादी हकूक मुअत्तल किए जा रहे हैं, आइन बे गैर मुअस्सर हो चुका है, जिसको जैसे शाह खावर साहब भी फरमा रहे थे एक दिन आपको जमानत मिलती है बल्कि 8-8 दफ़ा जमानतें मिलती हैं, अगले दिन उनको उठा लिया जाता है। उनके पर्सनल गार्ड थे वो अली खान, जिसको वो उठा के ले गए गिरफ्तार करते वक्त, हालांकि उन्होंने कोई मुजाहमत नहीं की, कुछ नहीं किया, 4 घंटे बाद जा करके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, और जमानत पर रिलीज होने के बाद उसको वहां से खुफिया लोग उठा के ले गए। ये तो हम देख रहे हैं, और ये इस तरीके से मेरे ख्याल में बहुत सारे एक्सपोजर्स भी हुए हैं। मैं शाह खावर साहब दोबारा आपकी तरफ हाजिर होता हूँ। आज लाहौर हाई कोर्ट में कुछ लोग ये जो वर्डिक्ट ले कर चले भी गए हैं, क्योंकि शायद खाकान अब्बासी साहब, जनाब नवाज शरीफ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब के जो हैं वो असासों की आपने कागज़ देखे होंगे स्क्रीनों पर, तो अभी तो ये जजमेंट जो है ये अभी तो जाना मुनासिब है आपके ख्याल में? इस वक्त हाई कोर्ट सुनेगी या इसको उस वक्त तक इंतज़ार करेगी जब तक सुपीरियर कोर्ट इस बारे में कोई फैसला नहीं करती? शाह खावर साहब, नहीं कैसे, मैं जरा समझ नहीं सका ये कौन सी पिटीशन जो लाहौर हाई कोर्ट में फाइल हुई है। ये अभी मुझे ये जो केस जो सजा हुई है इमरान खान साहब को, उस हवाले से उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये तो इन लोगों के, ये हमारे पास इलेक्शन कमीशन के वो उनके असासों की तफसील है, ये लोग भी जो हैं इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था, लिहाजा इनको भी जो है तादीबी कार्रवाई की जाए, ये पिटीशन डाली गई है।
ओके देखिए देखिए आईनी दरखास्त तो डाली जा सकती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी के पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि पिटिशंस की आप बात कर रहे हैं कि जिन जिन लीडरान ने जो है उन्होंने भी इस जुर्म का इर्तकाब किया है और उनको भी इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए, मेरा ख्याल है कि उसमें जो पहला फोरम है वो उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रिव्यू करना चाहिए, जिस तरीके से खान साहब के सिलसिले में हुआ। और अगर वो उस पर एक्शन ना लें तो फिर मैं समझता हूँ कि वो फिर हाई कोर्ट्स की जो आईनी ज्यूरिस्ट्रिक्शन है, रिट ज्यूरिस्ट्रिक्शन, उसको इन्वोक किया जा सकता है। तो बिल्कुल अगर एक ही किस्म का जो है अगर जुर्म का इर्तकाब किसी ने किया है और उसमें से किसी एक को पिक एंड चूज किया गया, बाकियों को छोड़ दिया गया, तो ये तो सरियन आईन के खिलाफ वर्जी है, तो डिस्क्रिमिनेशन है। तो मैं फिर भी ये कहूँगा कि मुझे थोड़ा सा शायद इसके ऊपर थोड़ा सा तहफ़ होगा कि डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में ना जाएं, आप पहले मुतलका फोरम जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है पहले उनसे रिजू करें, उनके सामने ये मुद्दा रखें, अगर वो नहीं करते तो फिर जुडिशियल रिव्यू के लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा शाहखावर साहब, ये सवाल फिर आपसे ही और फिर मैं आऊँगा शोएब भाई की तरफ, ये फरमाइए कि ये जो ये डेमोक्रेसी की ये तीसरा दौर है और नई इस्तलाह मैंने कल पढ़ी और मुझे बड़ी हंसी भी आई कि रिसेशन यानी डेमोक्रेसी का रिसेशन आ गया है। ये जो हुआ है फैसला हुआ 14 मई को इलेक्शन करवाएं, निगरान जो हैं वो 90 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते, डू यू थिंक कि हमारी ओवर द ईयर्स डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हुई है, हमें तीसरा दौर कंजेक्टिव पहली दफ़ा मिला था इस डेमोक्रेटिक रूल का, या और बेड़े गर्क हुए हैं? आप क्या समझते हैं शाहखावर साहब? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, दो अगर आपको थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा, आपने देखा है कि जो 1988 के बाद जो एक पॉलिटिकल यहाँ पे एक ट्रेंड चला टू पार्टी गवर्नमेंट, और वो भी आपस में बहुत ज्यादा मुखालफत, जाती तौर पे एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने बड़े बड़े इकदाम किए, और आपने देखा कि 2006 में फिर एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ उन्हीं पोलिटिकल पार्टीज में, वो PMLN और PPP जिसमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, मियां नवाज शरीफ साहब ने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया कि हम किसी भी गैर जमहूरी या गैर आइनी किसी भी इकदाम की हिमायत नहीं करेंगे और ऐसे इकदाम करेंगे कि ये चीज़ें जो है ये हमारी सियासत में से ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर वो अलग बात है कि उसको खुद वायलेट ही किया जो है मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो फिर चले गए कोर्ट में मेमो गेट में, तो उन्होंने फिर वो प्रोसीडिंग्स वहाँ पर की, बाद में उन्होंने फिर उसकी जो है उसके बारे में ये भी कहा, रिग्रेट भी किया। मैं ये समझता हूँ जी कि ये पॉलिटिशियंस के अंदर जो है एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक ब्रॉड बेस्ड डायलॉग की ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में भी और दीगर स्टेक होल्डर से भी, उसमें आपने कुछ पैरामीटर्स तय करने हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अभी खान साहब जो हैं उनके खिलाफ जो हुआ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, फिर वो असम्बलियों से निकल गए, सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी। मैं ये समझता हूँ कि आप जब भी कोई जमहूरियत की स्ट्रेंथनिंग की और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे तो आप पॉलिटिशियंस को आपस में बैठना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि एक पिटिशन जो मेरे जरिए फाइल हुई थी जो कि जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किया था कि चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली के इलेक्शन एक दिन होने चाहिए और पोलिटिकल पार्टीज को एक कंसेंसस जो है वो डेवलप करना चाहिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस भी ली, तमाम पोलिटिकल पार्टीज को उन्होंने किसी हद तक इत्तेफाक भी किया। आपने देखा कि PMLN और PDM और इत्तेहादियों की जो है वो मुज़ाकराती कमेटी भी बनी और करीब करीब चीज़ें पहुंच गई थी। मैं ये समझता हूं कि पॉलिटिकल डायलॉग पॉलिटिशियंस के दरमियान ये बंद नहीं होना चाहिए, वो आप जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी के लिए और गैर जमहूरी कुव्वतों का रास्ता रोकने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पॉलिटिशियंस पोलिटिकल पार्टीज अपने इख्तलाफात अपनी जगह पे है लेकिन वो कुछ बुनियादी चीजों के ऊपर मुत्तफिक हो जाए तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स जो है वो स्टेबिलिटी आ सकती है। जी अच्छा शोएब साहब, एक और सवाल आपके लिए, एक तो क्या आपका अंदाज़ा है कि कब तक खान साहब को जो जिस रिलीफ की तरफ शाहखावर साहब ने भी इशारा किया है कि वो उन्हें मिल सकता है अगर किसी और केस में ना पकड़ा गया, तो आप क्या समझते हैं कि हाउ लॉन्ग इट वुड टेक? देखिए मेरा ख्याल है कल सुबह लगा हुआ है, इस बात का भी इम्कान है कि वो कल ही कर दें क्योंकि मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 3 साल है और वो 3 साल दे दी गई और इस केस में जाहिर सुने बगैर फैसला दिया गया, लिस्ट ऑफ एविडेंस हमारी नहीं और ये एक और बात और है, माफी चाहता हूँ वक्त का, ये ABC क्लास वाला क्या मामला है? उनके वकील ने यहाँ क्लेम किया कि उनको एक सी क्लास में शायद रखा गया, ये उनका कहना था
अटक जेल में सी क्लास के अलावा कोई फैसिलिटी नहीं है, और उसके लिए भी जो पिटीशन फाइल हुई है आज के लिए वो कल सुबह नोटिस हो गया है उनको, तो वो एक जार है। और जो हुमायूं दिलावर ने फैसला किया था इरेस्पेक्टिव का हमारा जो उसके ऊपर इत्राजात हैं या बगैर सुने किया, उसने अडियाला जेल का कहा था और उस हुक्म की भी खिलाफ वर्जी करते हुए उनको वहां अटक जेल ले जाया गया, वो किसी की ख्वाहिश पे ले जाया गया। असल बात यह है कि उनको हर हाल में अटक लेके जाया जाना मकसूद था और वहाँ उनको अजियत और जिस्मानी और जहनी अजियत देना मकसद था और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बाद सब कुछ के बावजूद खान साहब के हौसले बुलंद हैं और वो फौलाद और चट्टान की तरह खड़े हैं, पब्लिक के साथ खड़ी हुई है, इस तरह से इन चीजों से कोई वन लास्ट थिंग शाह खावर साहब, ये आपने सुना कौन सी क्लास डिजर्व करता है एक्स प्राइम मिनिस्टर? देखिए मैं तो ये बिल्कुल बड़ा वाजे कहूंगा कि जो जेल मैनुअल और जेल रूल्स के मुताबिक हर एक को अपने स्टेटस और उसके जो सोशल उसका एक वो है हैबिटेशन है उसके मुताबिक ट्रीट करना चाहिए। मैं तो बरमला ये कहूंगा कि जिस तरह पहले भी लोगों को एक क्लास दी गई है, इमरान खान साहब चूंकि साबिक वजीर आजम है वो बिल्कुल इंटाइटल्ड है एक क्लास उनको देने के, और उसके सिलसिले में जो प्रोसीजर है मैं समझता हूँ कि प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए होम डिपार्टमेंट को लिख के, और मेरा ख्याल है कि इसमें वो ज्यादा देर नहीं लगाएंगे क्योंकि वो उनकी एंटाइटलमेंट है। शाह खावर साहब थैंक यू वेरी मच, जनाब शुएब शाहीन साहब ने एनलाइटन किया। नाजरीन ये मामला था खान साहब के केस का और उनके मुमकिना मुस्तकबिल का, मगर अब जब हम वापस हाजिर होंगे तो जो बिलावल भुट्टो साहब ने कल बात की और थोड़ी सी इस पर भी बात करेंगे कि ये जो सियासत होती रही है मिसाक के जमहूरियत और ये और वो, इस पर लोग शायद नालाम बहुत रहे हैं, अब ये क्या ऐसा बदल देंगे, ऐसा क्या बदलाव आएगा, कैसे किस तरह जो कैरेक्टर हमारी बना हुआ है हमारा पॉलिटिकल या पॉलिटिकल पार्टीज का, उसमें क्या बिलावल भुट्टो साहब रेवोल्यूशनरी चेंजेस करेंगे और उनका कहने का मकसद क्या था, और फिर निगरान वज़ीर आज़म का मामला भी है।